हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करते हुए बढ़िया ही होंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल देखिए मैं नहा ली हूँ, मेरे गीले गीले बाल हैं अभी सब, और नहा ली हूँ और तैयार भी हो गई हूँ। सारा काम की हूँ सुबह से, आप लोगों को मैं दिखा दूँ, पूरा काम करके एकदम रेडी कर ली हूँ। तो देखिए आप लोग को मैं घर वगैरह लिप ली हूँ, क्योंकि त्यौहार मुझे व्रत रखना है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूँ। तो मुझे व्रत रखना है ना, तो वो व्रत चौथ का व्रत रखना है, तो वही मैं व्रत रखूँगी। तो फिलहाल मैं सब कुछ कर ली हूँ, नहा धुल ली हूँ, अभी फ़िलहाल मैं मेहंदी लगाऊँगी। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा आप लोग, ठीक है? तो मैं आप लोगों को ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए और मैं आगे चल रही हूँ। तो अभी अपने हाथ में, दोनों हाथ में मेहंदी लगाऊंगी। तो दोस्तों चौथ देखिए जनवरी के लास्ट में मनाया जाता है, और ये गणेश जी का पूजा इसमें किया जाता है, और पुत्र प्राप्ति के लिए ये। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आग जला रखी हूँ मैं, और इधर में मेहंदी है, ये देख सकते हैं मेहंदी है, और ये कंघी है, और ये टेप है। मैं अपने लाइफ तरीके से आप लोगों के बीच में मेहंदी लगाना सिखाऊंगी, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए आप लोग लास्ट तक, ठीक है? तो देखिए मैं कैसे मेहंदी लगाती हूँ। तो चलिए, तो देखिए दोस्तों ये यहाँ से मैं रखूँगी मेहंदी को, यहाँ से रखूँगी, और टेप ये छोड़ाना पड़ेगा इसको ना। ये देख सकते हैं आप लोग, ऐसे यू करके, सीजर तो लाई नहीं हो ना, तो आप लोग यहाँ से देखिए मैं यूँ इसको घुमाऊँगी, और यहाँ तक लेकर मैं आ जाऊँगी इसको, ठीक है? अब मैं यहाँ से निकाल ले रही हूँ इसको। आप लोग यूँ ही हमारे वीडियो को देखते रहिए। तो मैं ऐसे ही सारे टेप को ऐसे लगा लूँगी, ठीक है? ऐसे ही मैं पूरा टेप लगा लूँगी अपने हाथों पे। तो देख सकते हैं आप लोग मेरा हाथ में पूरा टेप सा लग चुका है, और मैं इसको अब मेहंदी से इसको रिफिल कर दूंगी। आप लोग देखिए एकदम अपने आसान तरीका मैं बता रही हूँ, कि अगर कोई मेहंदी छापने वाला ना हो तो आप लोग यूँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? और इसको पूरा हाथ से ऐसे से कर सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग लास्ट तक हमारे वीडियो को देखिएगा, फिर समझ में आएगा आप लोगों को। और बहुत ही अच्छा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया ये चढ़ भी जाता है, ठीक है? और थोड़ा यही है दिक्कत कि थोड़ा टेप ख़त्म हुआ है मेरा, लेकिन कोई बात नहीं, ये ऐसे ही बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है? तो मेरे पास कोई मेहंदी लगाने वाला नहीं था फिलहाल इस टाइम, तो मैं आग जलाई हूँ और यहाँ पे बैठी हूँ, और मैं इसको आराम से लगा रही हूँ, और मेरी क्वींस गर्ल शूट कर रही है मेरे वीडियो को। तो आप लोग ऐसे ही देख सकते हैं, तो ऐसे देखते रहिए। लग गया इधर सब, लग गया है ना? हाँ। लग गया है, टेप पे थोड़ा पुता गया। हाँ चलो उस पर कोई बात नहीं है। तो आप लोग देखिए अब मैं इसको कंघी से देख सकते हैं आप लोग, अब यू कर दूंगी। ये देखिए डिजाइन सा बन के तैयार है मेरा। आप लोग देखते रहिए ऐसे ही मेरे वीडियो को। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, अभी अच्छा आप लोगों को देखने में नहीं लगेगा, लेकिन पूरा फाइनल हो जाएगा ना। अब मैं इसको धुल के आप लोगों के बीच में मैं दिखाऊंगी, तो आप लोग ऐसे हमारे वीडियो को देखते रहिए कंटिन्यू। अब मैं पूरा ऐसे ही इसको पूरा फाइनल करूंगी, ठीक है? तो पूरा मैं ऐसे ही इसको फाइनल कर लूंगी। और फ्रेंड्स ये मैं क्या बताऊँ, ये मेहंदी मेरा बहुत काफ़ी दिन से पड़ा था, पता नहीं चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, नहीं तो ऐसे तो ये वाला मेहंदी मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा चढ़ता है,
बहुत ज़्यादा चटक हो जाता है। तो आप लोग यहीं ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहिए और मैं पूरा फाइनल ऐसे ही मतलब कर लूँगी सब। हमारी वीडियो को देखते रहिए आप लोग कंटिन्यू। ठीक है, तो अभी फिलहाल कर लिया है इसमें। अब मैं टेप को यहाँ से ऐसे यू निकाल दूंगी। टेप को मैं निकाल कर यहाँ पर रख ले रही हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं क्या बताऊँ कि लेफ्ट हैंड से कितना छापना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं किसी तरह से इससे छापी हूँ। मैं मेहंदी लगाई हूँ, बहुत तेज लग रहा है, पूरा हाथ में कैसे दाग दाग सब पड़ गया है ना। ऑयली ऑयल भी नहीं लगा रखी थी ना मैं। तो आप लोग देखते रहिए हमारे वीडियो को फुल। देखिए मैं यूँ ही सब इसको निकाल दूँगी। अच्छा लग गया है ना, इसको कैसे निकालूं मैं, तो इस पर से तो देखिए ये छूट नहीं रहा था, तो अभी फिलहाल निकल चुका है ये भी। और इसको यहाँ से मैं निकाल दूँगी। फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कमेंट में कैसा लग रहा है मेरा मेहंदी का लुक। सिंपल ही है, साधारण है बिल्कुल। अगर अपने हाथ से अगर छापना चाहते हैं, अगर कोई है नहीं इधर, मेरे कपड़ा में लग गया, अगर कोई है नहीं छापने वाला तो आप लोग ऐसे ही इसको छाप सकते हैं। तो आप देखिए अभी इसमें और भी डिजाइन बनाना बाकी है, लेकिन मैं क्या करूँ इसको, अब इसे लेफ्ट हैंड से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ पूरा छापने की। तो आप लोग हमारे वीडियो में ऐसे ही देखते रहिए पूरा लास्ट तक। ये इसको मैं राउंड कर लूँगी पूरा, इसको भी पूरा मैं ऐसे कर लूँगी, और इसमें थोड़ा सा डिजाइन भी डालना है। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा इस हाथ से काम नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिए आप लोग ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहिए। मैं यहाँ पे स्टार बना दे रही हूँ ऐसे, लोकल स्टार। जिसको भी मेहंदी बिल्कुल भी छापने नहीं आता है वो इस तरह से मेहंदी लगा सकता है। इस हाथ पे बहुत बढ़िया से मैं रखूंगी, आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सारे बीच बीच में जितने भी गैपिंग हैं इसमें मैं सब पे ऐसे ही यूं ही सब कुछ लगा दूंगी। तो ऐसे ही मैं इस पर भी लगा दूंगी। देखिए आँख में थोड़ा धुआं भी लग रहा है इधर। फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा ये ठंड, ये बहुत ज़्यादा मतलब लगने के बाद ना बहुत ज़्यादा ठंड, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं यहाँ पे आगे
फ्रेंड्स आप लोग देखिए पूरा फाइनल हो चुका है। अब ये थोड़ा सा सूख जाएगा तो मैं इस वाले हाथ पे अभी अपने राइट हैंड से छापूंगी और आप लोगों को वो भी मैं वीडियो में दिखाऊंगी आप लोगों को। तो हमारे वीडियो में ऐसे ही लास्ट तक बने रहिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए मैं अभी सूखने के बाद मैं इस वाले हाथ पे अभी से को छाप लूँगी। फिलहाल ये सूख जाए पहले, हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए ये फाइनल हो चुका है। आप लोग चाहें तो बीच बीच में अच्छी डिजाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अपने हाथ से इससे कर रही थी ना तो उतना सही से नहीं हो पा रहा था, तो मैं ऐसे स्टार छोटा छोटा इसमें डाल रही हूँ। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? अपना चालू कर दी हूँ तो आप लोग देख सकते हैं। ऐसे हमारे वीडियो को लास्ट तक एकदम देखते रहिएगा आप लोग। मैं दोनों हाथ पे भी ऑलरेडी जल्दी जल्दी छापने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे हाथ पे। तो देखिए ऐसे हो गया है इस पर भी, और इधर भी छापना पड़ेगा ऐसे। तो फ्रेंड देखिए मेरा पूरा मेहंदी एकदम फाइनल हो चुका है और थोड़ा बहुत बचा है तो इसमें मैं ऐसे ही लगा दे रही हूँ क्योंकि कम ही था। तो आप लोग कमेंट में कैसा लगा मेरा मेहंदी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है मैं अभी अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। ठीक है, बाय बाय।